हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं बातू केव्स टेम्पल। ये मलेशिया का बहुत ही बड़ा हिंदू टेम्पल है। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है तो हम लोग बस कहीं छुपेंगे। बारिश रुकने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कितने ढेर सारे बर्ड्स हैं, कबूतर हैं। यहाँ पे सब लोग कबूतर को दाना खिलाता है। यहाँ पे बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं। ये देखिए छोटा सा अद्वित हमारे साथ कितना इंजॉय कर रहा है, बर्ड्स के पीछे भाग रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ। अब बारिश रुक गई है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए सब लोग, हम लोग हेलो हाय कर रहे हैं वीडियो में। ये देखिए सामने सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं से चढ़ के हमें ऊपर जाना है और ऊपर टेंपल है। ये सीढ़ी करीब 272 है और यहाँ पे ये देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा है मुरुगन स्वामी जी का। ये अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखिए मेरा बेटा सबसे आगे आगे भाग रहा है। और इसमें बारिश भी हुआ है तो वेदर बहुत अच्छा हो गया है और चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। नहीं तो अगर गर्मी होता है तो बहुत पसीने छूटने लगते हैं। ये देखिए बंदर भी आपस में चिपक के बैठे हैं, बहुत ठंड लग रही है उन्हें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू लग रहा है नीचे का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितनी रंग बिरंगी सीढ़ियाँ और ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, नीचे से और भी सुंदर लगता है। अब ये हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे हिंदू देवी देवता के फोटो और स्टेचू हैं, मंदिर है यहाँ पे। ये देखिए चारों तरफ पहाड़। ये बिल्कुल नेचुरल है, जैसे है वैसे ही इन्होंने अच्छे से इसे रखा हुआ है। ये देखिए चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का और बहुत ही सुंदर टेंपल भी है। ये मंदिर का प्रांगण है। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे दो मंदिर है, एक नीचे है एक ऊपर है। ऊपर में मेन मूर्ति है और नीचे मुरुगन स्वामी जी का जो शस्त्र होता है वो रखा गया है, उसकी भी पूजा होती है वहाँ पे। अगर मलेशिया कभी घूमने आए तो ज़रूर इस टेंपल में ज़रूर एक बार जाएं, घूम कर आएं। बहुत ही अच्छा व्यू और बहुत ही अच्छा का समय बीतेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ अंदर ही छोटे छोटे शॉप हैं, यहाँ से आप मूर्ति या फिर कोई भी डेकोरेशन की चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ गणेश जी, दुर्गा जी और भगवान बुद्ध का स्टेचू है, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए ऐसे ही अंदर पहाड़ों को बीच बीच में से काट कर मूर्तियाँ रखी गई हैं। चारों तरफ हर देवी देवता की मूर्ति आपको दिख जाएगी यहाँ पे।
अब हम लोग ऊपर मेन टेंपल पहले जा रहे हैं, फिर नीचे हम आएंगे तो आपको वहाँ का भी दिखाएंगे टेंपल। ये देखिए अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जाती है लोगों की, बट कोई नहीं, जहाँ श्रद्धा होता है वहाँ हर काम इजी हो जाता है। ये देखिए ये मेन मंदिर है यहाँ का मुरुगन स्वामी जी का। यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे हैं तो मंदिर अभी बंद है, बट वो थोड़ी देर में ओपन करेंगे और यहाँ आरती करेंगे। ये देख सकते हैं आप चारों तरफ कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। ये देखिए चारों तरफ कितना सुंदर पेड़ों से सजा हुआ, जैसे लग रहा है कि इसे किसी ने बनाया है, लेकिन ये प्रकृति की देन है जो हमें इतने सुंदर सुंदर व्यू दिखते हैं। बहुत ही सुंदर ये टेंपल है, एक बार जरूर यहाँ विजिट करें, आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा यहाँ आते ही। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांति का एहसास होता है यहाँ। हम नीचे आ चुके हैं, ये नीचे के टेंपल का यहाँ पे जो शस्त्र मैंने बताया था वहाँ उनकी पूजा हो रही है। ये जो मंदिर है, स्टेचू है नीचे बड़ा सा, आपने देखा होगा मुरुगन स्वामी जी का, वो स्टेचू करीब 140 फीट ऊंचा है और ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा प्रतिमा मुरुगन स्वामी जी का है। अब हम नीचे उतर रहे हैं, हमारा पूजा पाठ दर्शन हो चुका है तो हम नीचे उतर रहे हैं। ये देख सकते हैं सामने जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, करीब 3 साल इसे लग गए थे बनने में, इसे पूरा होने में। कितना अच्छा व्यू यहाँ से आता है, आसपास की जो भी सिटी या जो भी आसपास की जगह हैं वो बहुत ही अच्छा व्यू लगता है यहाँ से देखने में। आप देख सकते हैं इस समय क्लाउडी है और मौसम के हिसाब से भी कितना अच्छा लग रहा है। ये स्टैचू बहुत ही सुंदर लगता है, इसके नीचे लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, मैं बता नहीं सकती, आप एक बार जरूर आए। हेलो, ये देखिए अद्विक जो है पैदल नहीं उतर रहा है। पापा को बोला गोदी में लेके चढ़ो और पापा को बोला गोदी से उतरो। अद्विक तो अच्छा बेटा नहीं है। सच में? तो फिर तो अद्विक को नीचे आना चाहिए। हम लोग भी नीचे उतर कर वेट कर रहे हैं, सब लोग जल्दी जल्दी आए तो हम लोगों को भूख भी बहुत लगी हुई है। हम लोग अब नीचे उतर के अब रेस्टोरेंट जाएंगे, कहीं खाना वाना खाएंगे। पहले बच्चे बोट्स को खाना पहले खिला रहे हैं कि पहले इन्हें खाना खिलाया जाए फिर हम लोग खाना खाएं। तो हमने बहुत इंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।